नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान को लेकर प्रचार जोरों पर। आज भाजपा के कई स्टार प्रचारक पहुंचे जम्मू दौरे पर। इस दौरान विभिन्न रैलियों का हुआ आयोजन। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू दौरे पर पहुंचे अमित शाह। आज उन्होंने 5 चुनावी रैलियों के दौरान जनसभाओं को किया संबोधित। अपनी रैलियों के दौरान विपक्षी पार्टियों पर की जमकर की आलोचना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में 2 रैलियों को किया संबोधित। रामगढ़ और आरसपुरा में हुई चुनावी रैलियां। योगी ने बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। अफजल गुरु को लेकर नेका पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, नेका अफजल गुरु की फांसी का करती रही विरोध, क्योंकि नेका आतंकवाद को वापस लाना चाहती है। अमित शाह ने पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को दिया संदेश। कहा, अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो उसका जवाब मोर्टार शेल से दिया जाएगा। देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अमित शाह ने नेका कांग्रेस पर साधा निशाना। नेका कांग्रेस पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करने का लगा आरोप। कहा, मोदी सरकार इन पार्टियों को पाक एजेंडा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करने देगी। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को दफना दिया गया है। अमित शाह ने कहा, जो भी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाएगा उसे फांसी पर उसका जवाब मिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर दिया बयान। कहा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के दौरान घाटी में होती थी पत्थरबाजी, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के आने के बाद खत्म हुआ पथराव। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से भाजपा को चुनावों में सफल बनाने के लिए की अपील। कहा, अगर हम बहुमत से जीतते हैं तो आप देखेंगे कि पीओजेके जल्द ही भारत का हिस्सा बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने धारा 370 पर दिया बड़ा बयान। कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 90% से अधिक आतंकवाद का हुआ सफाया। अब जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहा विकास। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नेका पीडीपी कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, इन तीनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को किया बर्बाद, लेकिन पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का लिया है संकल्प। स्मृति ईरानी ने कहा, एनसी कांग्रेस ने अलगाववाद और आतंकवाद को दिया बढ़ावा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास लाया। प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के भी किए जा रहे प्रयास। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने सीमावर्ती इलाकों में होने वाले चुनावों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, चुनाव के दौरान कोई व्यवधान होता है तो हम प्लान बी के साथ तैयार। घाटी में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना हमारी प्राथमिकता। श्रीनगर में कम वोटिंग को लेकर उमर ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, भारी मतदान होने की बात करने वाली केंद्र सरकार को कम वोटिंग होने पर देना चाहिए अब जवाब। अमित शाह के पाकिस्तान एजेंडा चलाने वाले बयान को लेकर उमर अब्दुल्ला ने की आलोचना। कहा, हमने अपने कार्यकर्ताओं को है खोया। अगर हमारा ऐसा एजेंडा होता तो हम इसे सत्ता में रहने के दौरान करते लागू। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भाजपा और अलगाववादियों के बीच है कोई कनेक्शन, तभी तो ये नेता भी टीम बी के रूप में लड़ रहे चुनाव। उपराज्यपाल ने ऐतिहासिक मतदान के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को दी बधाई। कहा, मतदाताओं की लंबी कतारों ने विरोधियों को दिया करारा जवाब। उन्होंने चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स की भागीदारी की सराहना। एसआईए ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। ड्रग पैडर मोहम्मद अरशद की प्रॉपर्टी की कुर्क। 10 मरला जमीन को किया गया सीज, हुई कार्रवाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे दोनों तरफ से रहा खुला। हाईवे के दोनों तरफ हल्के वाहन व बड़े वाहनों को छोड़ा गया। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में आगामी कुछ दिन मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की।
डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ को किया गया निलंबित। मसूद अहमद काजी पर बिना अनुमति लिए मुख्यालय से बाहर जाने पर हुई कार्रवाई। एडिशनल डीसी किश्तवाड़ से एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। नेंका उम्मीदवार राजेश पड़गोत्रा ने सरोर में जनसभा संबोधित कर मांगे वोट। पड़गोत्रा ने डेली वेजरों से नेंका कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट डालने की अपील। कहा, पिछले 10 सालों से आप लोगों के साथ अन्याय हुआ। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में अखनूर के युवक ने जीते 1 करोड़ रुपए। 22 वर्षीय चंद्रप्रकाश यूपीएससी की कर रहे तैयारी। इस सीजन में चंद्रप्रकाश करोड़पति का खिताब जीतने वाले पहले प्रतियोगी। ब्लड वुमेन नाम से मशहूर बिल्किस आरा का रक्तदान अभियान निरंतर जारी। 37वीं बार रक्तदान का रिकॉर्ड मिसाल की कायम। कहा, मेरा लक्ष्य सभी को रक्तदान करने के प्रति प्रेरित करना। भाजपा उम्मीदवार चंद्रप्रकाश गंगा ने विकास के नाम पर मांगे वोट। विजयपुर विधानसभा के ठलोरी कोठी पंचायत की बैठक कर लोगों को किया संबोधित। कहा, भाजपा की सरकार बनने पर क्षेत्र की हर समस्या करेंगे दूर। जम्मू संभाग के निजी स्कूलों का मेगा इवेंट आयोजित। इस दौरान जम्मू क्षेत्र के निजी स्कूलों के 113 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। वक्ताओं ने चुनौतियों और उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट पर रोशनी डाली। जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युधवीर सेठी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। सेठी ने बीजेपी को वोट डालने की अपील की। कहा, जम्मू कश्मीर में फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। परुण कश्मीर ने जम्मू में की पत्रकार वार्ता। जम्मू कश्मीर के चुनावों में अलगाववादियों को किस हक से चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर उठाए सवाल। कहा, संविधान की कौन सी धारा के तहत उन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन। जम्मू में संध्या स्वीप मशाल यात्रा निकाली गई। डीसी जम्मू द्वारा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करना। विजयपुर में पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से हुआ बड़ा हादसा। इस हादसे में एनएचएआई के 6 मजदूर मिट्टी में धंसे, सभी को सुरक्षित निकाला गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।